बीजेपी विधायक गणेश जोशी सेल्फ क्वारंटीन हुए हैं। राज्यपाल बेबी रानी से मुलाकात की वजह से उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया है, क्योंकि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 26 नवंबर तक सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगे विधायक गणेश जोशी। बीजेपी विधायक गणेश जोशी सेल्फ क्वारंटीन हुए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात के चलते सेल्फ क्वारंटीन उन्होंने अपने आप को किया है। राज्यपाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 26 नवंबर तक सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे गणेश जोशी। प्रदेश के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना पॉजिटिव, और उन्होंने साफ तौर पर अपील की थी उन सभी लोगों से जो उनके संपर्क में आए थे। गणेश जोशी उसमें से एक थे, बीजेपी विधायक। बीजेपी विधायक गणेश जोशी सेल्फ क्वारंटीन हुए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की वजह से क्वारंटीन उन्होंने अपने आप को किया है। नवीन पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। नवीन, जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, क्या आम क्या खास, प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना पॉजिटिव पाई गई, तो उनसे संपर्क में आने वाले तमाम नेता हो या लोग, वो भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि राज्यपाल के बेबी रानी मौर्य जी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ये एहतियात उठाया जा रहा है, एहतियातन कदम, क्योंकि उन्होंने भी एक अपील जारी करी थी। एक तरह से ट्विटर के हैंडल से अपने बताया था कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे वो सभी लोग सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए या अपनी जांच कराएं। इसी कड़ी में विधायक गणेश जोशी जो हैं वो भी मिले थे राज्यपाल से, उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया। अब वो जांच के लिए सैंपल भेजेंगे कि क्या कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे भगत सिंह कोश्यारी, वो भी उनसे भी राज्यपाल मिली थी। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो भी क्वारंटीन होते हैं महाराष्ट्र में। अभी तो वो आज उनका महाराष्ट्र जाने का वापसी का दौरा था, तो क्या वो भी क्वारंटीन होते हैं या कैसे सेल्फ क्वारंटीन होते हैं या उनकी जांच होती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के।